हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले बैट और बॉल को किस तरह फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट बैट मेकिंग। क्रिकेट बैट बनाने के लिए सबसे पहले बैट के साइज का एक लकड़ी का मजबूत टुकड़ा लिया जाता है। फिर इस टुकड़े को कटर के जरिए बैट की बेसिक शेप में लाया जाता है, यानी कि इसे नीचे से कर्व शेप देकर इसके दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी लकड़ी हटाई जाती है। फिर इस लकड़ी में हैंडल लगाने के लिए इसे ऊपर की तरफ से वी शेप में काटा जाता है। इसके बाद शुरू होता है बैट के हैंडल को बनाने का काम। बैट के हैंडल को बनाने के लिए लकड़ी की पतली पतली स्लाइड्स को फेविकोल के जरिए आपस में जोड़कर उन्हें एक रस्सी से लपेटकर सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस तरह लकड़ियों की पतली पतली स्लाइड्स से मिलकर बना हैंडल एक नॉर्मल लकड़ी से ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए इसे इस तरह से बनाया जाता है। फिर इस हैंडल पर फेविकोल लगाकर इसे बैट में अच्छी तरह से फिक्स कर दिया जाता है और इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है। बैट के सूखने के बाद इसकी कंप्लीट फिनिशिंग का काम शुरू होता है। सबसे पहले बैट के फ्रंट साइड पर वर्क किया जाता है और इस बैट को एक कंप्रेसिंग रोलर के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे बैट की सरफेस को मजबूती मिलती है। इसी वजह से यह बैट 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई लेदर बॉल को फेस कर पाता है। इस बैट के हैंडल के पास की एक्स्ट्रा लकड़ी को एक सो के जरिए काटा जाता है और इस हैंडल से मिला दिया जाता है। फिर इस लकड़ी के बैक साइड की फिनिशिंग का काम शुरू होता है। यहाँ बैट को परफेक्ट शेप देते हुए इसकी एक्स्ट्रा लकड़ी को धीरे धीरे काट कर हटा दिया जाता है। फिर इस बैट को फाइनल टच दिया जाता है और इसकी पॉलिशिंग और फिनिशिंग की जाती है। फिर इस बैट को रोलिंग मशीन पर लगाकर इसके हैंडल पर कॉटन का धागा लपेटा जाता है और फाइनली इस बैट पर कंपनी के स्टिकर लगा दिए जाते हैं और फिर इसके हैंडल पर ग्रिप भी चढ़ा दी जाती है, जिसके बाद ये बैट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्रिकेट बॉल मेकिंग। क्रिकेट बॉल बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी लेदर लिया जाता है और इसे एक डाई के जरिए हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर छोटे छोटे पीसेज में काटा जाता है। इस तरह के चार पीसेस को मिलाकर एक लेदर बॉल बनाई जाती है। यहाँ सबसे पहले लेदर के दो टुकड़ों को सिलकर एक हाफ बॉल बनाई जाती है। फिर इस हाफ बॉल को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाकर इसे परफेक्ट राउंड शेप दिया जाता है और यहाँ इसके एक्स्ट्रा लेदर को भी काट दिया जाता है। ऐसी दो हाफ बॉल के बीच में एक कॉक की बॉल डालकर इसे दोनों तरफ से दबाकर सील दिया जाता है। बॉल के पैक होने के बाद इस पर मजबूती के लिए दो बार और स्टिचेस लगाए जाते हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बॉल अपने असली रूप में आने लगती है। स्टिचेस लगने के बाद स्टिचेस को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाया जाता है, जिससे ये स्टिचेस दब जाते हैं। और फिर एक बार इस पूरी बॉल को भी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाया जाता है, जिससे ये बॉल एक परफेक्ट राउंड शेप में आ जाती है। इसके बाद इस बॉल पर कंपनी का लोगो लगा दिया जाता है। फिर एक एक बॉल का यहाँ साइज और वेट चेक किया जाता है और सेलेक्टेड बॉल्स को फाइनल प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। यहाँ इन बॉल्स को फ्लेम से हीट किया जाता है, जिस वजह से इस लेदर की चमक और क्वालिटी और बढ़ जाती है, जिसके बाद बॉल अच्छी दिखने लगती है। इसके बाद इन बॉल्स पर ज़रूरत के हिसाब से कलर स्प्रे किया जाता है, जिसके बाद ये बॉल क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।